सिंधुदुर्ग जिले के मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना को लेकर मविया नेताओं द्वारा राजनीति करने के खिलाफ बाजीमो द्वारा राज्य भर में निषेध आंदोलन किया गया। नागपुर के गांधी गेट महल में किए गए आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए व शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े भी शामिल हुए। बावनकुए ने कहा कि घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्य सरकार के सभी प्रमुखों ने बार बार माफी मांगी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता चुनाव में केवल वोटों के लिए इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का वीडियो बार बार सोशल मीडिया में प्रसारित कर शिव भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके इस कलंकित राजनीति के खिलाफ भाजपा द्वारा निषेध आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हम सभी के आराध्य देव है। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने आंदोलन सुरू झालं आहे। आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करून हे आंदोलन आम्ही सुरू केलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या सर्वांकरता वंदनीय आहे, आराध्य दैवत आहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची क्षमा मागितली, शिवभक्तांची क्षमा मागितली, ज्यांच्या ज्यांच्या हृदयाला ठेच पोचली त्यांची क्षमा मागितली, नतमस्तक होऊन माफी मागितली। तरी आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करून हे आंदोलन आम्ही सुरू केलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या सर्वांकरता वंदनीय आहे, आराध्य दैवत आहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची क्षमा मागितली, शिवभक्तांची क्षमा मागितली, ज्यांच्या ज्यांच्या हृदयाला ठेच पोचली त्यांची क्षमा मागितली, नतमस्तक होऊन माफी मागितली। तरी महाविकास आघाडीचे नतद्रष्ट नेते राजकारण करतायत आणि महाराष्ट्र निवडणुकीच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अराजकता फैलवण्याचा प्रयत्न करतायत। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।